इतना गंदा नाश्ता है ना। फाइव स्टार होटल में ना यही नाश्ता मिलेगा, वरना चलते हैं उसी ढाबे पे। नहीं बेब, मुझे नहीं जाना उस होटल में वापस। अरे जल्दी करे, निकले इस अजायब घर से। भाई साहब तो इतना गुस्से हुए हैं ना सुन के सब कुछ। ऐसी क्लास ली है ना ऐसे चौकी के, पता चलेगा। तो मैं भी सुना था खरी खरी, मुझे तो किसी ने यहाँ बैठा हुआ। अरे भाई फोन कर देते मुझे यार, खरी खरी सुना था। बल्कि मैं तो कहता हूँ वापसी पे रुकेंगे उधर, चमाटे कराऊंगा दो चार भाई। बस करे, रहने दे। फाखिर बेटा तुम्हारा दोस्त आया था रात को, शायद गाड़ी में एनी का फोन रह गया था, वही वापस करने आया था। शुक्र है कि वो बच्चा आ गया, वरना पता नहीं इन बच्चों को कितना तंग करती पुलिस। सही बात है। सलमान अच्छा बैग चेक करे ना, कोई चीज ना रह गई, निकल ना गई हो, जगह तो देखो। बैग उठवाओ उससे। जल्दी करें, क्या जरूरत आ रही थी झूठ बोलने की, बताते थे आपका क्लास फेलो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, शहर से इतनी दूर मेरा क्लास फेलो आया हुआ। वो को तो कोई वजह मिल जाएगी बात का बतंगड़ बनाने की। फाकर प्लीज आन समझो, आता है तो देख। कहाँ रह गया सलमान? सलमान कहाँ रह जाते हो बेटा तुम? क्या ये बैग हमारा है? नहीं मैं वाकई फॉलो तो नहीं करा। नहीं कह रहे हो तुम? अच्छा क्या पता, तो वो जो तुमने इल्जाम लगाए थे मुझ पे है, आमने वाले टाइम पे है। पप्पो फाकर एक मिनट रुक जाओ। फाकर प्लीज, हाँ तुम्हारा आमना के साथ फिर भी वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी छोटी सी भूल पर ना सब कुछ खराब हो जाएगा, मेरी पढ़ाई बंद करवा देंगे सर प्लीज। हाँ फाखिर बेटा क्या कह रहे थे तुम? वो हमजा मेरा दोस्त बेचारा कितना अच्छा है ना, इतने मुश्किल वक्त में हमारे गांव आ गया। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो, शुक्र है कि वो बच्चा आ गया, भला बच्चा है बहुत। घर बुलाना, भाई साहब बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, घर पे बुलाते हैं, क्या कहती हो? देखो अल्लाह ताला की कुदरत, कैसे किसी को भेज देते हैं मदद के लिए। चलो बच्चों जल्दी करो और सब बाथरूम इस्तेमाल कर लेना, निकले इस अजायब घर से, चलो जल्दी आ जाओ। ये ना उधार है तुम पे बेटा, अब याद रखना इसको, अगली बार जाम लगाते। ठीक है चले हम आ जाओ। इसलिए साथ भेजा था कि कम से कम तमीज ही सीख ले उससे। अच्छा बस अब उसको डांटिएगा मत। बड़े अबू वापस सब कुछ फाखिर ने ही हैंडल किया था, खाने की बात से एम्बैरस है वो, इसलिए आपसे ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन उसने ही हम सबका ख्याल रखा था। सारा ट्रिप खराब हो गया। देख क्या छू आया, तुम यहां क्या कर रही हो? शवो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ के घर तक आ गई? अम्मा निकाले इसे यहां से। रमशे सुना बहन क्या कह रही है, से कहो ही चली जाए यहाँ से। राहिला बाबा इस वक्त आपका यहाँ रुकना मुनासिब नहीं, हम बाद में आ जाइएगा प्लीज। शमशेर भाई एक मिनट, आयशा मैं मेलों की शादी के बाद से तुमसे मिलना चाह रही थी, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई मुलाकात करने की। हिम्मत? हिम्मत से तुम दोनों बहनों में कोई कमी नहीं। अच्छा रहने दो ना, हम लोगों के मसलों की वजह से इन लोगों को बीच में मत घसीटो। मेरी एक बहन बहुत अच्छी है, उसका इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो जमशेद भाई से प्यार करती है, उनकी इज्जत करती है, अच्छे नसीब लेकर आएगी इस घर में। और क्या पता कि इन लोगों की शादी हम लोगों के बीच की तल्खियों को कम करने की वजह बन जाए। शादी तो तमाम से हो नहीं सकी, तो सोचा कुछ तोहफे ले आऊं सबके लिए। ठीक सब बस अमन चाहती हूं, तुम्हारी वजह से मेरी बहन का घर खराब ना, उससे हम लोगों के इख्तिलाफात का क्या ताल्लुक है? वो जमशेद भाई के साथ अच्छी है, उनकी इज्जत करती है, उनसे प्यार करती है, उनके लिए बख्तों वाली है।
हमारी जमीने में मत घसीटो यार उसको। तुम मुझे कुछ नहीं दे सकती। अमन चाहती हो? सिर्फ एक चीज है जिससे मेरे और तुम्हारे बीच में अमन हो सकता है। छोड़ दो अभी को। कर ऐलान छोटी थी भाई। एनी, एनी का क्या हुआ? वो तो बहुत परेशान हो गई होगी उस सिचुएशन में। वो सारी इतनी परेशान हो गई थी, उसका रोल हो के बुरा हो गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम लोगों के साथ इतना सब कुछ हो गया। मैं ही बदकिस्मत हूँ, इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही थी वहाँ पर, तो मैं क्या बताऊँ। यार मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया तो मैं सरी हूँ। Obviously funny बात है, I'm really sorry, but look at the situation. तुम अपनी बीवी के साथ बाहर थे और तुम्हें पुलिस पकड़ के ले गई। Just my luck, you can say. Me, would you be यार? क्या देखे जा रहे हो मुझे? हाँ? अच्छी हो यार तू। किसी भी सिचुएशन में मुझे हंसा सकती हो। कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, तुम दो मिनट में जो है उसको दूर कर देती। Likes. तुम ये शुक्र करो कि उस सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, क्योंकि मैं तो हंस हंस के पागल हो जाती वहीं पर। काश तो होती, तुम्हें पता लगता हम पे क्या गुजरी हुई है यहाँ पर। तो फिर मैंने इसलिए फोन किया था कि आप खैरियत से घर पहुंच गई हैं कि नहीं। किससे इजहार मुद्दा कीजिए, आप मिलते ही नहीं हैं, क्या कीजिए? क्या हुआ, किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं, वो स्कूल की दोस्त थी। मुझे ना प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आती हूँ। स्कूल की दोस्त तो नुम नुम भी था वो से फिर पता ना कहाँ थी। क्या बात है, अच्छी लग रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तबीयत ठीक है, वैसे ही थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा हूँ। एक सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए वहाँ पे। वैसे सरप्राइज तो बन गया। पाखिर, नाइस प्लेस, हाँ आई लाइक इट। ये था ना तुम्हारा सरप्राइज? ये थोड़ी था तो सरप्राइज आ गया तुम्हारा सरप्राइज। हमजा, हमजा यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं था ना, इसलिए तो उसको बुलाया है। अभी तुम सुनो इससे, बोलो ये क्या बोलेगा। पसंद करता है ये भी तुम्हें? देखो मैं बिल्कुल सैड नहीं हूँ, ना मैं डिप्रेशन हूँ, ना मुझे फर्क पड़ रहा है, पोसेसिव भी नहीं हूँ मैं यार। चिल करो, तुम दोनों पसंद करते हो ना एक दूसरे को, तुम तो करती हो, तुम करते हो। ये भी करता तुम्हें पसंद, शादी कर लूँ? सही, आसान हल है तुम दोनों के लिए। घर वालों का क्या है यार, थोड़े दिन चकचक करेंगे, थोड़े दिन नजाब बनाएंगे, हंगामे करेंगे, तीन दिन बाद सेट हो जाएंगे। मैं मना लूंगा, तुमने फिक्र ही नहीं करनी इस चीज़ की, तैयारियां करो बस। पर क्यों मारा यार? तुम पागल हो गए हो फाखर, पता भी है तुम क्या कर रहे हो? तुम भी यही चाहती थी ना यार, तुम बड़ा खुश हो शादी से। हाँ हाँ, मैं शादी से खुश नहीं हूँ, लेकिन भागे हम निका में, इस निका कोई मजाक नहीं होता है। इसी निका की वजह से हम दोनों फंसे हुए यार,
चीजें मैं ठीक करूं और क्या ठीक करोगे तुम? हाँ, शादी से पहले तो तुम कुछ ठीक नहीं कर पाए, आप क्या तुम ठीक करोगे? तुम चाहते क्या हो कि मैं इसके साथ भाग जाऊं, हमारी फैमिली का नाम बदनाम कर दूं मैं? और तुम दोनों कौन होते हो जो मेरी जिंदगी के फैसले करोगे मुझसे पूछे बगैर? तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम खुश हो शादी से? नहीं फाकिर, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, जरा सा भी खुश नहीं हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम किसी भी आवारा मजनू को मेरे सामने लाके खड़ा कर दोगे, मैं उसके साथ चल पड़ूंगी। मुझे कभी कभार लगता है कि तुम ना बदल रहे हो, फिर तुम्हारी ऐसी ये हरकतें जो साबित करते हैं कि तुम वही इमैच्योर और सेल्फिश फाकिर हो जो तुम पहले थे। तुम्हें जो करना है ना फाकिर तुम करो, जिससे बात करनी है तुम करो, मुझे छोड़ के जा रहे हो तुम चले जाओ, लेकिन मेरे कंधे पे बंदूक करके मेरे फैसले मत लो। तुम मुझसे दूर रहो ना, मेरे लिए यही बेहतर होगा। क्या हो गया? क्यों गाली कर रही बार बार? हॉस्पिटल? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ। क्या हुआ? किसकी तबीयत? बाबा की तबीयत खराब हो गई है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। बेटे अबू की तबीयत खराब हो गई है? हाँ। तुम हॉस्पिटल का पता लगाओ, हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो पहली बार थोड़ी हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो रोज का ही है उनका। आखिर तुम पागल हो गए हो क्या? तुम उनके बेटे हो, अगर उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ गई तो? कोई जरूरत वरूरत नहीं पड़ी उनको, मेरी समझ आ रही है आपको? बहुत लोग हैं उनके पास वहाँ पे। बड़ी घर चलो सीधा यहाँ से। खुद कर सकता हूँ, अगर तुम्हें नहीं जाना ना तो मत जाओ, मैं जा रही हूँ। किधर? अबे किधर जा रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हॉस्पिटल वहाँ पे, गाड़ी भी वहाँ पे खड़ी है, चलो उधर चलो। अजीब। और अपना मूड ठीक करो।